गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, लेट बी स्टार्टेड चैप्टर सिक्स, ग्रीनलैंड, लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ग्रीनलैंड किसकी भूमि है? आइस एंड स्नो, जहां पर बर्फ की भूमि कहलाती है ग्रीनलैंड, सिर्फ जहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। लर्निंग एडवांटेज, लर्न मोर इन दिस चैप्टर लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड, क्लाइमेट ऑफ आइलैंड, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लाइफ ऑफ द पीपल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हम इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे ग्रीनलैंड से रिलेटेड। सबसे पहले पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है? ऑन द मैप लुक एट दिस पिक्चर, पेज नंबर 43। ये लोकेशन है, इस मैप के थ्रू आप लोकेशन क्लियर कर सकते हैं ग्रीनलैंड की। ओके, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है। इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आइलैंड है। इट इज अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क एंड इट्स कैपिटल इज नैक। अर्लियर इट वॉज नोन एज गॉटेब। द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड ग्रीनलैंड वॉज एन एक्सप्लोरर कॉल्ड एरिक द रेड। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। इसकी क्या जो है प्रोविंस जो डेनमार्क, और इसकी कैपिटल नेक है, नेक है। अर्लियर इट वॉज नोन एज गोटेब, ये पहले किस नाम से जाना जाता, गोटेब के नाम से जाना जाता था। द फर्स्ट यूरोपियन, जो पहला यूरोपियन था जिसने ग्रीनलैंड पे विजिट किया था, वो वहां पर उसने इरिक द रेड, फिर उसके बाद में उसने क्या नाम दिया इसको, एक आइलैंड का नाम दिया। क्लियर है? ओके, लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लोकेशन इन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो क्या है, ये किस कितने एरिया में है, 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में है। इसका एरिया जो है कितना है, 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज द लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक, ये आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लोकेटेड है और 2/3 पार्ट इसका आइलैंड है। आइलैंड तो जानते ही है सभी। द आइलैंड लुक वाइट ड्यू टू 80% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। ये आइलैंड का लुक जो है इसका बिल्कुल व्हाइट जैसा दिखता है, बिल्कुल सफेद दिखता है, ड्यू टू 80%। 80% जो एरिया है वो किससे कवर हुआ हुआ है, सिर्फ ओनली स्नो एंड आइस, यानी बर्फ से पूरा ढका हुआ है। 80% कवर एरिया जो है इसका पूरा कवर किसने कर रखा है, स्नो एंड आइस ने, इसलिए इसको लैंड ऑफ आइस एंड स्नो कहा जाता है। क्लाइमेट ऑफ आइलैंड, अब आइलैंड का मतलब ग्रीनलैंड का क्लाइमेट, यानी आइलैंड का क्लाइमेट, वहां का कैसा क्लाइमेट रहता है। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, जो ये आर्कटिक सर्कल से पास, आर्कटिक सर्कल के पास से होते हुए साउदर्न पार्ट है ग्रीनलैंड। मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड देयर फोर लाइज इन द फ्रीजिड जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ग्रीनलैंड का ज्यादा ज्यादा वाला पार्ट है वो फ्रीजिड जोन में आता है। ग्रीनलैंड का ज्यादा पार्ट फ्रीजिड जोन में आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मैंने आपको पहले बताया था साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द रीजन इज आल्सो नोन एज द टुंड्रा रीजन। इस रीजन को टुंड्रा रीजन भी कहते हैं, या टुंड्रा रीजन के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूज पीसेस ऑफ आइस फ्रीक्वेंटली ब्रेक ऑफ, जो कुछ पीसेस हैं आइस के वो फ्रीक्वेंटली ब्रेक ऑफ यानी टूट जाते हैं, फ्लोट इन द सी,
और टूटकर कहाँ चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं, यानी महासागर में या सागर में चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, ये क्या कहलाते हैं, आइसबर्ग्स कहलाते हैं, जो पीसेस, आइस के पीसेस टुकड़े होकर टूटकर सी में जाते हैं, उसे हम आइसबर्ग्स कहते हैं। दे पोज ग्रेट डेंजर टू शिप्स इन द सी, ये सबसे ज्यादा डेंजर किसके लिए होते हैं, जो सी में शिप्स होते हैं, शिप्स होते हैं उनके लिए, जहाज खड़े होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो ग्रीनलैंड का साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा सा गर्म है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर, जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अब ग्रीनलैंड की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पढ़ेंगे। ड्यू टू पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स आर नेग्लिबल इन ग्रीनलैंड, जो यहाँ पर प्लांट उगते हैं ग्रीनलैंड में वो नहीं के बराबर होते हैं। दे आर नो फॉरेस्ट एंड नो क्रॉप्स, यहाँ पर क्या नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं है और ना ही कोई फसलें होती, क्योंकि यहाँ पर आइस आइस है तो आइस में कोई भी फसल नहीं हो सकती। क्रॉप्स कैन बी ग्रो हेयर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फसलें ग्रो नहीं कर सकती। सम प्लांट्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और कुछ जो प्लांट नजर आते हैं यहाँ पर वो कब नजर आते हैं, समर मंथ में, जो कि बहुत कम टाइम के लिए आता है। देयर आर मोसेस, लीचीज, ग्रासेस एंड बुशेस, ये जो है कुछ एक जो प्लांट्स नजर आते हैं वो कौन कौन से, मोसेस, लीचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस, इक्के दुक्के ही हैं। ओनली दोज एनिमल दैट कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, जो यहाँ पर एनिमल है वो बहुत ही जो ठंड की वजह से यहाँ पर कमी दिखाई देते हैं। अमंग देम आर पोलर बियर, रेनेडिया, मस्क ऑक्स, वुल्फ, आर्कटिक फॉक्स एंड सील, जो यहाँ पर वो वही एनिमल नजर आते हैं जो यहाँ पर इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं जो इस बहुत कोल्ड रीजन में रह सकते हैं, वो हैं पोलर बियर जो कि ठंडे प्रदेश में ही रह सकता है, रेनेडियर है, मस्क ऑक्स है, वुल्फ है, आर्कटिक फॉक्स और सील, ये एनिमल वो हैं जो ग्रीनलैंड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छे तरह से रख सकते हैं। सेवरल वेराइटीज ऑफ फिशेस एंड सी बर्ड्स आर आल्सो फाउंड हेयर, कुछ फिशेस की वेराइटीज हैं वो भी यहाँ देखने को मिल सकती है, सी बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। वुल्फ लाइक डॉग कॉल्ड हस्कीज आर यूज्ड इन हंटिंग एंड टू पुल स्लेड्स, जो देखा होगा आपने जब बर्फ, जहाँ पर बर्फ में होते हैं उसको जो गाड़ी कार्ट होती है वो वुल्फ की गाड़ी होती है, वो खींचती है और उसके पीछे लोग बैठे रहते हैं, वो होती है ये। वुल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज आर यूज्ड इन हंटिंग एंड पुल स्लेड्स, ये इनका यूज करते हैं। लिविंग ऑफ द पीपुल, अब यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताते हैं। द एस्किमोज, जो यहाँ लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्किमोज, और इन यूट यूट एज दे कॉल देमसेल्व्स वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, जो एस्किमोज है वो ग्रीनलैंड में ही रह सकते हैं क्योंकि इनके जो घर बने होते हैं वो आइस और स्नो से बने होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इग्लूज कहते हैं, जो आइस और स्नो से बने हुए घर है उनको इग्लू कहते हैं और इग्लू में रहने वाले लोगों को एस्किमोज कहते हैं। दे केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका अबाउट 1000 ईयर अगो, जो यहाँ पर ग्रीनलैंड में कब आए, वो नॉर्थ अमेरिका से आए 1000 साल पहले। दे आर मेनली हंटर्स, ये सब क्या थे, हंटर्स थे, एंड लिव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल्स फाउंड इन द रीजन, ये किस लिए आए थे, मेनली फिशिंग के लिए एंड हंटिंग एनिमल, जो कोल्ड रीजन में हंटिंग एनिमल्स है उनके लिए आए थे। द स्किन एंड फर ऑफ द एनिमल्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स, जो यहाँ के जानवर हैं, जो यहाँ के एनिमल्स हैं, उनकी स्किन और फर जो है वो क्लोथ्स बनाने के काम में आती है।
फैट इज यूज एज फ्यूल. अर्लियर दे यूज बाउस एंड हार्पून्स टू हंट, जो शिकार करने के लिए जो यूज करते हैं बाउस और हार्पून्स वो यहीं पर होते हैं, बट नाउ दे यूज गन्स. बट लेकिन ये किसका यूज करते हैं, गन्स का यूज करते हैं, नॉट इन इन लोग इन हार्पून्स का यूज नहीं करते हैं. किसका यूज करते हैं, गन्स का यूज करते हैं. इन द पास्ट द इन्यूट वर नोमैडिक, दैट इज वाई यूज टू रोम अराउंड थ्रू आउट द ईयर टू हंट. कई वर्षों तक ये क्या करते रहते हैं, शिकार के लिए यहीं पर टिके हुए रहते हैं. दे यूज स्लेज पुल्ड बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट, जो उसकी डॉग्स की जो डॉग्स की कार्ट बना लेते हैं और उसके पीछे गाड़ी जैसी होती है उसपे पीछे से बैठ के स्लेज करते हैं आइस पर, और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए उसी को यूज करते हैं. ये मतलब जो आवागमन का साधन होता है ट्रांसपोर्ट कहते हैं उनको, जैसे अपन कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बस का कार का यूज करते हैं, यहाँ पर कोल्ड एरिया यानी ग्रीनलैंड एरिया में क्या यूज करते हैं ये लोग, स्लेज्ड बाय पुल्ड बाय डॉग्स, जो डॉग की बनी हुई कार्ट होती है उनका यूज करते हैं. दे यूज बोट कॉल्ड कियास्क फॉर फिशिंग इन द सी, और जो इनकी बोट्स होती है जिसका यूज करते हैं उनको कियास्क कहते हैं. ये उसके लिए काम करते हैं सी में से फिशिंग को पकड़ने के काम, पकड़ में जब पकड़ने जाते हैं सी में से फिशिंग को पकड़ने जाते हैं तब ये कियास का यूज करते हैं. बोट्स का नाम है कियाक्स. वाइल रोमिंग अराउंड द इन्यूट यूज टू लिव इन टेम्परेरी हाउसेस मेड अप ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो यहाँ पर रहते हैं वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं. ये किसका बना हुआ होता है, आइस का बना होता है. वी कॉल दिस हाउस इग्लूज. मैंने पहले बताया था आपको जो आइस से बने हुए घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इग्लूज कहते हैं. और इनकी जो इग्लूज में लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्किमोज. ये देखो पिक्चर पेज नंबर 45 इग्लूज की, इस तरह का बना होता है इग्लू, हाउस ऑफ आइस इज कॉल्ड इग्लूज, और इसमें जो लोग रहते हैं उनको एस्किमोस कहते हैं. बर्फ का बना हुआ घर इग्लू कहलाता है. हाउ एवर टू द इन्यूट इग्लू मीन्ट अ हाउस वेदर मेड ऑफ आइस और वुड और ब्रिक्स, जो अब मैं इग्लू के मीन्ट बताते हैं, वेदर मेड ऑफ आइस, आइस से बना होता है, और वुड और ब्रिक्स का भी यूज होता है. इन द समर द इन्यूट मूव इनटू लेदर टेंट्स, जब समर आती है, ये तो विंटर सीजन में इग्लूज बनाते हैं, टेम्परेरी हाउस होता है, और कुछ मन जो समर के होते हैं गर्मी के होते हैं उस वक्त ये क्या करते हैं, लेदर के टेंट्स बना लेते हैं जिनको टॉपिक्स कहते हैं. रिसेंटली पीपुल हैव स्टार्टेड लिविंग इन हाउस मेड ऑफ वुड एंड स्टोन, अभी कुछ समय से यहाँ के लोग धीरे धीरे किसके हाउस बनाना शुरू कर दिए हैं, लकड़ी और स्टोन के, वुड एंड स्टोन के. कुछ समय से, अभी रिसेंटली कुछ समय से यहाँ के लोग जो घर बनाने लगे हैं वो किसके बनाने लगे हैं, वुड और स्टोन के. मोस्ट इन्यूट हाउ लीड अ सेटल्ड लाइफ, दे लिव इन स्मॉल विलेज और टाउन्स ऑन द सी कोस्ट, जो लोग रहते हैं यहाँ पर जो उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल्ड किया है वो छोटे छोटे गांव और टाउन्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं और सी कोस्ट एरिया के नजदीक हैं. जो स्मॉल विलेज और टाउन है वो सी कोस्ट एरिया के नजदीक हैं. दे गो ऑन हंटिंग ट्रिप्स विच में लास्ट फॉर सेवरल डेज, ये जो हंटिंग के लिए ट्रिप करते हैं यहाँ पर वो बहुत दिनों के लिए आते हैं. दे हैव फास्ट मोटराइज्ड स्लेज फॉर ट्रांसपोर्ट, दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, यहाँ पर किसका यूज करते हैं, जो हंटिंग के लिए आते हैं मोटर बोट्स का यूज करते हैं फिशिंग के लिए, और बाकी स्लेज का यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट का मेन साधन क्या है, स्लेज और मोटर बोट्स. द पीपल वियर क्लोथ मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड फर, जो यहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं वो किसके बने होते हैं, एनिमल स्किन यानी जानवरों की खाल से बने हुए होते हैं, उनके फर से बने होते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं. सर्दियों में जब अपन कपड़े पहनते हैं वो फर वाले कपड़े पहनते हैं ना, वो गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो वो उनको ठंड ना लगे वो गर्म रहे इसलिए वो इस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वियर जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर कॉल्ड पार्कास, पार्कास कहते हैं. जो आदमी औरत और बच्चे क्या पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं
विद हुड्स वाली जैकेट्स पहनते हैं, लाइंड विद फर, उसके ऊपर फर लगे हुए होते हैं, इसको परकास कहते हैं. क्या कहते हैं? परकास. लॉन्ग बूट्स, और लॉन्ग बूट का यू लॉन्ग बूट्स पहनते हैं, मेड ऑफ सील स्किन, कीप देयर फिट वार्म इन द स्नो, ताकि बर्फ में जब उनके पांव रहे तो वो बिल्कुल गले नहीं और वो गर्म रहे, इसलिए लॉन्ग बूट्स का यूज करते हैं. टुडे ग्रीनलैंड हैज अ मिक्स पॉपुलेशन, और यहाँ पर जो जनसंख्या है ग्रीनलैंड में आज की तारीख में मिक्स जन पॉपुलेशन है, मोस्टली ऑफ इन्यूट आर यूरोपियंस, कुछ तो यहाँ पे यूरोपियंस है. द टोटल पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 56,000 लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ इवन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया. यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? ओनली 56,000, इंडिया के एक छोटे से गांव के बराबर है. इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन केवल 56,000 है, यानी 56,000 ही है केवल, जो कि एक इंडिया के छोटे से गांव की भी नहीं होती होगी इतनी, तो गांव में भी ज्यादा पॉपुलेशन होने होती है. द लाइफ स्टाइल हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से यहाँ की लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए हैं. दे हैव ऑल द फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर. क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर? फैसिलिटी प्रोवाइड होने लगी है लोग बागों को, जैसे कि एजुकेशन मिलने लगी है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, और अदर जितनी भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जो ह्यूमन बींग को चाहिए वो सब यहाँ पर प्रोवाइड हो गई है. ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन लिव्स ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट. जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन साउथ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ज्यादातर रहते हैं. देर आर टाउन्स विद मॉडर्न फैसिलिटी, जो यहाँ के जो टाउन है वो मॉडर्न फैसिलिटी जैसे हैं, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, परमानेंट हाउस, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. क्या क्या है वहां पर एक टाउन में, क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, परमानेंट हाउस है, वहां पर टेम्परेरी हाउस इग्लू जैसे नहीं है, परमानेंट हाउस है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं. द कैपिटल नेक इज द बिगेस्ट टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 15,500. जो यहाँ की कैपिटल है, नेक इज द बिगेस्ट टाउन भी, जो यहाँ का सबसे बिगेस्ट टाउन भी है. यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 15,500. होलिस्टिंग ब्रॉग नाउ नोन एज सिसिम्यूट इज द सेकेंड बिगेस्ट टाउन. ये दो टाउन के नेम्स बताए हैं जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है. इट हैज पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5,500 पीपल. जो पॉपुलेशन कितनी है? 5,500. कितनी कम पॉपुलेशन है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब ग्रीनलैंड की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं. फिशिंग इज द लाइफ लाइन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड इकोनॉमी. जो ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है? फिशिंग पर. यहाँ की मेन जो मेन मतलब जैसे यहाँ अपने भारत में तो किसान खेती बाड़ी करता है, वैसे ग्रीनलैंड में जो लोग बाग है वो क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं, और यही इनकी अर्थव्यवस्था की बेस है. द मोस्ट कॉमर्शियल रिसोर्स आर श्रिम्प. जो कॉमर्शियल रिसोर्स है वो श्रिम्प है. फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड. जो फिश का जो व्यापार है वो इन ग्रीनलैंड में बहुत मेजर इंडस्ट्री के ऊपर है. शीप आर रेज्ड इन स्मॉल नंबर इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट. जो शीप है, भेड़े हैं, वो कुछ ही है, मतलब थोड़ी कम संख्या में है साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर. अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इन द साउथ वेस्ट इज द सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. जो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है ग्रीनलैंड का, वो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के लिए सुटेबल है, एंड मतलब वहां पर अपन खेती बाड़ी कर सकते हैं. एंड सम वेजिटेबल्स सच एज पोटेटोज आर ग्रोन. वहां पर खेती बाड़ी में क्या होते हैं? पोटेटोज को ग्रो करते हैं, आलू को ग्रो करते हैं. फॉर लास्ट टू डिकेड्स फोकस हैज बीन पुट टू टूरिज्म इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड. कुछ डिकेड्स, लास्ट के 2 डिकेड्स जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं. ओके, थैंक यू.